हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। इसके लिए हमने मखाने ले लिए हैं, पीनट्स ले लिए हैं, ग्रीन चिली एक हमने कट कर लिया है, आलमंड, करी लीव्स, हम कढ़ाई में डालकर अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। हमें कढ़ाई में ऑयल घी कुछ अभी नहीं डालना है। मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से भून लेना है पहले। आप इसे व्रत में या फिर ऐसे भी कभी भी बनाकर खा सकते, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही चटपटा है। ऐसे हम अपने हाथ के हेल्प से देखेंगे कि अच्छे से हुए हैं कि नहीं। इसे में दबा कर इन्हें हमें रोस्ट करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगा है। देखिए ये अब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। आप इसे चाहे तो घी में भी बना सकते हैं अगर आप इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो। और इसमें ग्रीन चिली एक हमने छोटे छोटे बारीक कट कर लिया है और रेड चिली ले लिया है, आलमंड्स और करी लीव्स ले लिया है। आप चाहे तो इसमें सूखे नारियल भी ले सकते हैं और मूँगफली के कुछ दाने ले लिए हैं। आप इसमें चना दाल होता है उसे भी भिगो कर थोड़ा सा डाल सकते हैं और सूखे हुए नारियल भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे व्रत में बनाकर खा सकते हैं। हमें ऑयल की जगह घी रखना है और जो हम नमक डालेंगे वहाँ पे हमें व्रत वाला नमक डालना है। अब इसमें हम टर्मरिक पाउडर डालेंगे जिससे कि इसका कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी इनहेंस होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर डाल देंगे जिससे कि थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा बनेगा। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। अगर आप इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो व्रत वाला नमक डालें। अभी यहाँ पर मैंने नॉर्मल नमक डाला है जो हम डेली खाने में यूज करते वाला नमक। आप इसमें सूखे नारियल को भी कट करके डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें हमें एंड में किशमिश डालना है। हम मखाने को डाल देंगे क्योंकि हमने इसे पहले ही रोस्ट कर लिया है, इसलिए हमें इसे बस थोड़ा सा रोस्ट करना है। अब इसमें हम किशमिश डाल देंगे जिससे कि इसमें हल्का सा मिठास का फ्लेवर आएगा।
इसे हम डालकर एक मिनट तक भूनेंगे। फ्रेंड्स, आप अगर मेरी वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं भी पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट होते हैं हम लोग। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। देखिए कितना अच्छा हमारा मखाना फ्राई हुआ है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाँ बुला रहा हूँ, ज़्यादा नहीं।